तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म तो उस वक्त 20-20 घंटे के अंधेरे थे, 20-20 घंटे के अंधेरे थे। लेकिन के मेरे दोस्तों बुजुर्गो, बिजली ना देहातों में थी, ना ज़रात में थी, ना सड़क में थी, और लाखों लोग बेरोजगार थे। उसने अल्लाह ताला के फज़ल करम से चार पैसे नीचे हो गए, सालों के अंदर अंदर लोड शेडिंग का हाथ पा कर दिया। क्या मैं ठीक कहता हूँ या गलत कहता हूँ? हाजी साहब, भाई साहब, आपकी मेहरबानी, और आपकी मेहरबानी। मेरे बुजुर्गो, मेरी जरा बात गौर से सुन लो। नवाज शरीफ ने अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन के 5 मरतबा टेलीफोन कॉलों के बावजूद ये कहा कि मैं हिंदुस्तान ने एटमी धमाके किए हैं तो मैं पाकिस्तान के कोड़े आवाम की इज्जत का $5 अरब से सौदा नहीं करूंगा, बल्कि 6 एटमी धमाके करके हिंदुस्तान को भाईजान मेहरबानी याद करो वो दिन, याद करो वो दिन के नवाज शरीफ के जमाने में भाई साहब नीचे आ गए 35 रुपए किलो भाई साहब, और चीनी 52 रुपए किलो थी। और पाकिस्तान में महंगाई नाम की कोई चीज नहीं थी, वो है नवाज शरीफ। उसका जुर्म ये था उसने पाकिस्तान के आवाम को इतना बड़ा पिछड़ा दिया। ये था वो नवाज शरीफ का जुर्म, और इसी वजह से 2018 झूठू हुआ चुका, और नवाज शरीफ को खाली इकदार से अलहदा नहीं किया, बल्कि आपको, आपके बच्चों को तालीम से, इलाज से, तरक्की और खुशहाली से महरूम कर दिया। मेरे बुजुर्गो भाइयों और नौजवान साथियों, मैं आज आपको ये बताने आया हूँ कि नवाज शरीफ 21 इस महीने की 21 तारीख को अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, वो वापस, आपका बेटा वापस पाकिस्तान आ रहा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 21 तारीख को नवाज शरीफ अल्लाह ताला ने चाहा तो पाकिस्तान वापस आ रहा है, और ये तरक्की का सफर जो उसने 2018 में छोड़ा था, बल्कि तरक्की का सफर खत्म करवाया गया था नवाज शरीफ को, इकदार से महरूम नहीं किया गया था, आपके तरक्की और सफर को खत्म किया गया था। नवाज शरीफ उस सफर को दोबारा शुरू करने आ रहा है। इस मौके जरिए आपने 21 तारीख को, मेरे बुजुर्गो भाई और नौजवान साथियों, आपने मुझसे एक बात कहना है, अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान में आपने नवाज शरीफ का तारीख का सबसे बड़ा आपने इस्तेमाल करके साबित करना है कि नवाज शरीफ तुमसे जुल्म किया गया, तुमसे ज्यादती की गई, मगर पाकिस्तान के कोड़ों आवाम तुम्हारे साथ हैं, कोड़ों माओं की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मेरे बुजुर्गों, नवाज शरीफ वापस आ रहा है इंतकाम लेने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क को दोबारा खुशहाल करने के लिए, इस मुल्क को तरक्की के दौर को दोबारा चलाने के लिए, और हिंदुस्तान से पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए नवाज शरीफ वापस आ रहा है। जिन
किरदारों ने नवाज शरीफ साहब जुल्म और ज्यादती की, वो आपको अच्छी तरह इल्म है, लेकिन फैसला ये करना है कि आप इंतकाम लेना है कि यतीमों और गरीबों की उनकी खत्म करनी है, बुजुर्गों की खत्म करनी है, बस यही मेरा पैगाम है और मेरा आपसे वादा है कि नवाज शरीफ के छोटे भाई की तरह, उसके फर्ज की तरह मैं नवाज शरीफ के साथ जान लड़ाऊंगा और पाकिस्तान के लिए मेरे साथ तारा लगाए पाकिस्तान पाकिस्तान नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को मीनार-ए-पाकिस्तान खुदा हाफिज़।